मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि मतलब यहाँ पे एक भी बंदे ने भी कोई से भी ड्रेस नहीं पहना है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे फ्री फायर पे नॉर्मल मिलते हैं केवल आप वही देख पा रहे हो, जबकि मैं बाहर निकल के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ लेकिन फिर भी मुझे शो ही नहीं कर रहा कि किसी बंदे ने जैसे ड्रेस पहना है या फिर नहीं पहना है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे मैं इस वीडियो पर पूरा डिटेली बताऊंगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने थोड़ा बहुत तो यहाँ पर डाउनलोड कर लिया हूँ लेकिन फिर भी कोई बंदे का ड्रेस ही शो नहीं कर रहा है। इस प्रॉब्लम का होने का दो तीन रीज़न है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्री फायर का खुद का ही ग्लिच है जिसके कारण मतलब आपके लॉबी पे कोई से भी मतलब बंदे ने जैसे ड्रेस वगैरह नहीं पहना, जो कि मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। एंड जैसे ही ये स्टार्ट होता है दोस्तों उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक भी बंदा देखना कि किसी ने भी ड्रेस नहीं पहना, जबकि इन्होंने पहना है बट हमें शो नहीं करवा रहे क्योंकि हमारा लो एंड डिवाइस है या फिर कुछ ना कुछ रीज़न है जिस कारण से ये शो नहीं कर रहा। बट आप एक सेटिंग को जैसे ऑन कर दोगे दोस्तों सारी के सारी यहाँ पे जितने ड्रेस जितने बंदे में नहीं पहना है ना दोस्तों कुछ ना कुछ पहने रहेंगे, जो कि मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको फ्री फायर से मतलब आपको पूरा किक हो जाना, मतलब एकदम आपको बाहर आ जाना है, मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना एक तरह से आपको। एंड उसके बाद आपको पहले तो जितने भी आपने कलेक्शन वगैरह डाउनलोड किया ना दोस्तों ये सारे के सारे डिलीट हो जाएगा। सीधा सीधे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जितने भी डाउनलोड किया ना दोस्तों वो सारे के सारे डिलीट हो जाएगा। एंड आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे आके स्टोरेज वाले सेक्शन पे जाके आपको एक बार क्लियर डाटा पैक कर देना है जिससे कि जितने भी आपने डाउनलोड किया ना दोस्तों वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। एंड यहाँ पे आपको फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर देना है। एंड ये पूरा पूरा न्यू हो चुका है फ्री फायर एंड आपको इसको ओपन करना है कई बार। तो इससे करने से जैसे कि आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम ही ठीक हो जाता है। अगर आपका ये करने से भी दोस्तों सही नहीं होता तो फिर डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये मोबाइल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये फ्री फायर का ग्लिच हो सकता है, मतलब फ्री फायर में कुछ टेक्निकल इशू के कारण ऐसा चीज़ें हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको कलेक्शन कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने तो पूरा ही क्लियर कर दिया। एंड दोस्तों जो भी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ जिससे कि मेरा नेट जा रहा है दोस्तों इसके कारण एक लाइक जरूर से कर देना। एंड ये मैं पूरा का पूरा न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं फ्री फायर को लॉगिन वगैरह कर लेता हूँ, जो भी सामने का प्रोसेस होता है उसको निपटा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दोबारा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पे फ्री फायर को स्टार्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली आ जाना है डिस्प्ले वाले सेटिंग पे। एंड यहाँ पे आपको ग्राफिक्स में हाई कर देना है। एंड अगर आपका स्मूथ है तो फिर आपको स्टैंडर्ड कर देना है। जो भी मतलब आपका अगर लो है ना दोस्तों तो फिर आपको हाई करना है, मतलब आपको एक एक करके बढ़ा के देखना है। एंड आपको कलेक्शन को डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों, बिना कलेक्शन डाउनलोड किए आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपका नेट जा सकता है इसमें। तो दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत तो यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, मैंने डाउनलोड अभी भी हो ही रहा है जो कि आप ऊपर को देख सकते हैं। सिंपल से मैं कोई से एक बैटल राउंड को मैं सिंपल स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि बंदे का जैसे ड्रेस दिखा भी रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। एंड मैं आपको पहले और एक बार बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा ही डाउनलोड करना है, क्या पता ये काम ना करे। और यहाँ पे मैच स्टार्ट होना लग गया जो कि आप ऊपर को देख सकते हो। एंड सिंपल से इसको मैच को लगने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किसी का ड्रेस दिखा भी रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो दोस्तों तो फिर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा सेम ही प्रॉब्लम है, मतलब किसी का भी ड्रेस यहाँ पे शो नहीं करवा रहा है बट मोबाइल तो स्मूथ चल रहा है। आप समझ गए कि क्या कारण, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। आपको सिंपल गेम से दोबारा से बैक जाना है। एंड बैक जाने के बाद सबसे पहले तो मैं कस्टम HD वगैरह को सेट करना पड़ेगा वरना भी ये बिगड़ा पड़ा है। इसको खैर छोड़ते हैं। एंड सिंपल से आप देख ही सकते हो कि सामने को ये मतलब किसी ने भी मतलब ड्रेस नहीं पहना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सिंपल यहाँ पे एक मिनट इसको कैंसिल करता है। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है आपको दोबारा से डिस्प्ले वाले सेटिंग पे। एंड यहाँ पे आपको अल्ट्रा कर देना है। एंड यहाँ पे आपका मोबाइल हीट भी हो सकता है, लैग भी हो सकता है, जो कि आप अपने अनुसार देख लेना। एंड मैं सिंपल इसको कैंसिल करके दोबारा से और एक मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। आप दोस्तों ये प्रॉब्लम हट जाना चाहिए क्योंकि मेनली इसी कारण से होता है। एंड मैंने जो जो आपको प्रोसेस बताया अगर ये सारे आपने फॉलो किया तो फिर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हट जाना चाहिए। सब कुछ मैंने सेट वगैरह तो कर लिया। एंड यहाँ पे जैसे गेम स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ जैसे कि ये देखो मेरे साइड पर ये ड्रेस दिखने लग गया है, जो कि मैंने जितना डाउनलोड किया उतना दिखा रहा है, मैंने ज़्यादा डाउनलोड नहीं किया, जो कि आपको ही पता है, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया साइड से। एंड यहाँ पे ये देखो येलो कलर का जो फ्री में मिलता है वो वाला ड्रेस भी दिखने लग गया है। एंड यहाँ पे किसी का कलेक्शन नहीं दिख रहा बट यहाँ पे गन का स्किन, आपको यहाँ पे जैसे पैन का स्किन निकाल देता है। एंड इसका पैंट भी देख सकते हो आप, मतलब मैंने जो डाउनलोड किया वो देखना स्टार्ट कर चुका है। अगर मैं पूरा डाउनलोड कर लेता हूँ तो फिर मुझे देखने तो लग जाएगा बट मैं गेम सही से नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि मेरा मोबाइल हीट भी करने लगे एंड यहाँ पे लैग भी करने लगे, जो कि आपको शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे पता नहीं चलेगा। खेलने लाइक तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है बट ये प्रॉब्लम सही हो चुका है, जो कि आप भी देख ही सकते हो कि कुछ ड्रेस जो भी मैंने डाउनलोड किया वो दिखाना स्टार्ट कर चुका है। मैं सिंपल गेम से बाहर निकल लेता हूँ। एंड आप कमेंट करके बताना कि आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड ये गेम ही स्टार्ट हो गया, एक मिनट मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ पहले तो।